मैं हूँ नाजमिन सुल्ताना। मेरा चैनल नाजमिन कुकिंग स्पेशल में आपको स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पास्ता। पास्ता बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, पास्ता 200 ग्राम, गाजर लिए हमने 1 कप और ऐसे छोटे पीसेस काट लिए इस तरह, बंद गोभी लिए हमने 1 कप कटी हुई, शिमला मिर्च लिए हम 1 कप कटी हुई, प्याज लिए हम 1 छोटा साइज कटी हुई, बीन्स लिए हमने 1/2 कप कटी हुई, हरी मिर्च लिए हमने 2 टीस्पून कटी हुई, टमाटर लिए हमने 1 मीडियम साइज कटे हुए और धनिया पत्ता लिए हमने 2 टीस्पून, रेड चिली सॉस लिए हमने 1 टीस्पून, सोया सॉस लिए हमने 2 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस लिए हमने 1 टीस्पून, विनेगर लिए हमने 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑयल लिए हमने 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। पास्ता बॉईल करने के लिए हमने एक खुला पैन लेंगे और उसे 2 कप पानी डाल देंगे, 1 कप पानी में थोड़ा नमक, थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और उसे बॉईल करेंगे। पानी में बॉईल आ गए तो हम पास्ता डाल देंगे और इसे 10 मिनट पका लेंगे। चुका है, पास्ता बॉईल हो चुके हैं तो अभी हम इसको छान लेंगे। अभी हम पास्ता बनाने के लिए सारे वेजिटेबल को फ्राई कर लेंगे। बर्तन में तेल डालेंगे, प्याज, हल्का से फ्राई कर लेंगे। अब में इसे डालेंगे बीन, गाजर तो अभी मैं इसे शिमला मिर्च डाल देंगे। अब मैं इसके साथ बंद गोभी डालेंगे, कटी हुई टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली और रेड चिली सॉस इसीलिए डाला
क्योंकि मुझे पास्ता ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए पास्ता। डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे। लास्ट में डालेंगे हम धनिया पत्ता। इसे मिला लेंगे और 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारा वेजिटेबल पास्ता। अभी हम इसको प्लेट में उठा लेंगे। हमारी वेजिटेबल पास्ता बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।